केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज मैक्सिको और अमेरिका की यात्रा पर होंगी रवाना। 26 अक्टूबर तक दोनों देशों के दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन को किया संबोधित, कहा आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शेरे कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर में उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को शपथ दिलाई। ईवीएम पर विपक्षी दलों के आरोपों को मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया खारिज। उन्होंने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नामों को लेकर हुआ मंथन। महाराष्ट्र में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। बैठक में प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया है कि झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की होगी शानदार जीत। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि सड़क पुलों के रखरखाव में होगी लोगों की भागीदारी। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया फैसला। पश्चिम बंगाल की घटना के विरोध में बिहार आईएमए के डॉक्टरों ने पटना में धरना प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने सुरक्षा को लेकर नियम बनाने की मांग की। दरभंगा जिले के वार्ड नंबर 3 के नजदीक दुर्गा मंदिर के पास शौचालय टैंक की सफाई कर रहे दो भाइयों सहित 3 लोगों की मौत दम घुटने से हो गई।